हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं होप करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं एक न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करने। तो आइए चलते हैं और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक न्यू प्लेस में, जिसका नाम है जनकपुरी। और ये अभी हम हैं दोस्तों जनकपुरी के कुछ ब्लॉक्स के अंदर। ये सारा एरिया जनकपुरी के अंदर आता है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल गिव यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट जनकपुरी। जनकपुर इज ए एफ्लुएंट नेबरहुड इन द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, इंडिया। इट इज लोकेटेड नियर द दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया एंड इट इज एक्सेसिबल बाय रोड एंड दिल्ली मेट्रो वेस्ट स्टेशन। The present geographical structure of Janakpuri constituency came into existence in 2008 as a part of implementation of the recommendations of Delimitation Commission of India constituted in 2002. Also about locality, the locality falls under category D of residential colonies in Delhi alongside other category D colonies of NCT of Delhi. और दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां के मेन कमर्शियल सेंटर की, तो द मेन कमर्शियल सेंटर इज द जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर विच हाउसेज वेरियस रीजनल ऑफिसेज ऑफ कंपनीज एंड फर्म्स एज वेल एज शॉप्स सेलिंग फूड, अपेल, हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी। ऑल्सो ए क्राफ्ट बाजार विद इन द कॉम्प्लेक्स सेल्स हैंडीक्राफ्ट एंड होम डेकोर आइटम्स। ये जो है दोस्तों, ये सारा व्हाइट कलर की, ये सारा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, काफी बड़ा प्लेस है दोस्तों ये। आप देख सकते हैं तिलक नगर के लिए आप राइट जा सकते हैं और उत्तम नगर के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है जनकपुरी स्टेशन। जनकपुरी इज ए पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉन्ग विद 9 अदर विधानसभा सेगमेंट्स। द दिल्ली मेट्रो हैज 3 मेट्रो स्टेशन इन जनकपुरी: डाबरी मोड़ टू जनकपुरी साउथ, जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट, 2 स्टेशन इन द ब्लू लाइन एंड 1 स्टेशन ऑन मेजेंटा लाइन। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, द हरिनगर बस डिपोट इज लोकेटेड इन द नियर बाय विकिनिटी। इट इज होम टू रिन्यूड स्कूल्स लाइक सेंट फ्रांसिस द सेल्स स्कूल, SS मोटा सिंह स्कूल एंड मैनी अदर स्कूल्स। ऑल्सो द तिहार सेंट्रल जेल वॉज सेटअप इन 1958 ऑन द लैंड ऑफ तिहार इन जनकपुरी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका लेफ्ट साइड में जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर और ये सामने आप देख रहे हैं जनकपुरी ईस्ट स्टेशन। तब नगर जाना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं। अगर आपको पीरागढ़ी, रोहिणी और मधुबन चौक की तरफ जाना है दोस्तों, तो यहां से हम लेंगे यू टर्न। तिलक नगर भी यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर है दोस्तों, जो कि दिल्ली का बहुत पुराना और फेमस मार्केट है। देख सकते हैं तिलक नगर स्ट्रेट। हम यहाँ से जाएंगे रोहिणी की तरफ और बहुत ही सुंदर आप फुट ओवर ब्रिज देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे, सच एज मेट्रो, प्राइवेट व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स, ऑटोज और बसेस का बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और दिल्ली का बहुत ही पुराना और एलीट एरिया है ये जनकपुरी। और यहीं से कुछ ही दूरी पर है दोस्तों विकासपुरी, जो कि मैंने अपने आपको लास्ट वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। वो भी बहुत नियर बाय डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दोस्तों फुट ओवर ब्रिज। और ये आप देख सकते हैं GT करनाल रोड, मधुबन चौक के लिए स्ट्रेट और विकासपुरी के लिए लेफ्ट आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे दोस्तों, तो आप विकासपुरी की तरफ जा सकते हैं और हम यहाँ से लेंगे फ्लाईओवर, ये सीधा कनेक्ट करेगा दोस्तों आपका पश्चिम विहार पे। बहुत सारे अच्छे अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स आपको इस रास्ते में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये है आपका कांगड़ा को
कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। ये आप जो राइट और लेफ्ट साइड का एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका विकासपुरी का प्लेस और काफ़ी पुराना और अच्छा एरिया है दिल्ली का दोस्तों ये। और ये आप ब्रिज भी देख सकते हैं, रिसेंटली फ्लाईओवर दोस्तों इसका काम पूरा हुआ है और कुछ ही लास्ट ईयर में ये स्टार्ट हुआ है। तो पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था अगर आप रोड के नीचे से जाते थे दोस्तों। तो प्रॉपर 3 लेन वाइड द मैक रोड आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर क्लीननेस और स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ की मैक्स स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे मेरी नई वीडियोज़ के। और रोड पर ड्राइव करते वक्त दोस्तों सभी यातायात नियमों का पालन ज़रूर करें। मैं होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।